हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स में लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 तक काम हो चुका था, आइए लेक्चर नंबर 3 में देखते हैं। यहाँ हम लोग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में अध्ययन कर रहे थे और इसी में अगला टर्म आता है फ्रिंज विड्थ का। तो आइए जानते हैं इस फ्रिंज विड्थ के बारे में, जिसको बीटा से डिनोट किया जाता है। ओके, ये सिंबल जानते हैं आप, बीटा। तो इन YDSE मतलब यंग डबल सीट एक्सपेरिमेंट के दौरान द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव पोजीशंस ऑफ ब्राइट्स और टू कंजिक्यूटिव पोजीशंस ऑफ डार्क्स, दो लगातार ब्राइट के बीच की दूरी हो या फिर दो लगातार डार्क्स के बीच की दूरी हो, तो ये दूरी अगर आप स्क्रीन पर निकाल लेते हो तो इसी को क्या कहना है, फ्रिंज विड्थ कहना है। तो आप जानते हैं ना, YDSE में आपको एक इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त होता था जिसमें यहाँ पर आपको सेंट्रल मैक्सिमा बन गया, उसके बाद ये D1, फिर ये B1, फिर ये D2, फिर ये B2, फिर ये D3 और ऐसे ही नीचे भी। तो दो लगातार ब्राइट्स जैसे B0 B1 के बीच की दूरी या B1 B2 के बीच की दूरी या B2 B3 के बीच की दूरी, दो लगातार ब्राइट्स के बीच की दूरी हो या दो लगातार डार्क्स के बीच की दूरी हो, D1 D2 के बीच की दूरी या D2 D3 के बीच की दूरी, है ना। तो अगर दो लगातार ब्राइट्स के बीच की दूरी की बात करें या दो लगातार डार्क्स के बीच की दूरी की बात करें, तो ये जो डिस्टेंस आएगा ऑन द स्क्रीन ड्यूरिंग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन दिस इंटरफेरेंस पैटर्न, दैट इज नोन एज बीटा। ओके, मैथमेटिकली इसकी वैल्यू जो होती है पहले आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसलिए याद रखना है पहले। This is equal to lambda d upon 2d, ठीक है, बीटा इक्वल टू लेमडा डी अपॉन 2d, जहां पर ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखना होगा कि लेमडा क्या है। लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इन YDSE, ये जो सोर्स है ना यहाँ पर प्राइमरी सोर्स, ये जो भी लेमडा यहाँ से लाइट जो बाहर आ रही है उसकी जो भी वेवलेंथ है वही वेवलेंथ है लेमडा यहाँ पर। फिर आपका ये हो गया क्या, कैपिटल डी हो गया, ये डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ऑफ द स्लिट्स एंड स्क्रीन, उसके बीच का दूरी, ठीक है। और ये 2d क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, ये जो ओपनिंग्स हैं इनके बीच की दूरी है वो, तो वही हमने यहाँ भी लिख दिया है। लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इन YDSE, कैपिटल डी इज डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, एंड 2d इज डिस्टेंस बिटवीन बोथ स्लिट्स। बुक्स में अगर आपको यहाँ पर सिर्फ स्मॉल डी मिलता है तो वहाँ पे स्मॉल डी ही S1 S2 हो जाएगा, यहाँ हम लोग अपनी सुविधा के लिए S1 S2 को 2d मान के रखे हुए हैं, ठीक है। क्यों, क्या होता है, अगर मान लो आप बुक के हिसाब से लैम्डा डी बाई डी याद करोगे तो कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि ऊपर कैपिटल डी था या नीचे था, क्या था, लेकिन अगर 2d बोलते हैं तो हमेशा याद रहेगा कि वो स्मॉल डी के साथ 2 लगा हुआ था। तो एक तो ये एडवांटेज होगा आपको, और भी कई तरह के एडवांटेज हो सकते हैं। सो लैम्डा डिवाइड 2d से ही हम लोग काम चलाएंगे, नो प्रॉब्लम, वेयर 2d इज डिस्टेंस बिटवीन बोथ स्लिट्स। ओके, सो इनसे स्पष्ट है कि बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2d। ओके, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्रीन डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और वेवलेंथ जो आप यूज करेंगे YDSE के लिए उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इन जनरल बीटा 1 अपॉन बीटा 2 अगर देखा जाए तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, D1 बाई D2 और ये इनवर्स में, मतलब 2D2 बाई 2D1, है ना। और अगर सेम अरेंजमेंट की बात करें, हम लोग दो डिफरेंट लाइट सोर्स, दो डिफरेंट लैम्डा लेकर के अगर काम करेंगे तो उनके बीटा का रेशियो क्या होगा, मतलब 2D और कैपिटल D को सेम रखना है तो उनको हटा दीजिए, आप डायरेक्ट देख सकते हैं बीटा 1 बाई बीटा 2 इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, है ना, इस तरह से आ जाता है। चलिए अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे कि ये जो इम्पोर्टेंट फार्मूला आया बीटा बराबर लैम्डा डी बाई 2d, ये कैसे आया, तो इसका एक्सप्लेनेशन अब आगे होगा, ठीक है, तो देखते जाइए। तो देखिए इसमें हम लोग बीटा को साबित करने जा रहे हैं कि बीटा किस प्रकार से आपका लैम्डा डी अपॉन 2d आ रहा है ना। तो देखिए हम लोग YDSE के बारे में बात किए थे, एक प्राइमरी सोर्स होगा उसी को दो सोर्सेस में इस तरह से सेकेंडरी सोर्सेस में बदल लेना है, और इसी S1 S2 के बीच में इंटरफेरेंस होगा और यहाँ स्क्रीन पर आपको ये इंटरफेरेंस पैटर्न होगा जहाँ पे आपको ब्राइट डार्क इस तरह से अल्टरनेट पैटर्न ऊपर और नीचे मिलेंगे। ये सेंट्रल पॉइंट हो गया जहाँ सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है हमारा, यहाँ पर B1 मिला, यहाँ B2 मिला, इनके बीच में D1 मिला, D2 मिला। तो हमें डेफिनेशन क्या कहा था, दो कंजिक्यूटिव ब्राइट हो या दो कंजिक्यूटिव डार्क हो,
जैसे इस फिगर में हम दिखा रहे हैं दो कंजिक्यूटिव राइट के बीच, तो देखो जैसे बी नॉट से बी वन के बीच की दूरी है ना, यहाँ से ये वाला पॉइंट हम एक्स वन ले रहे हैं, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स वन कह दिया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को एक्स टू कह दिया, है ना। तो इनको भी अगर हम माइनस करेंगे तो ये बी टू बी वन के बीच की दूरी हो जाएगी, वो भी बीटा देगा। बी वन को बी नॉट से माइनस करेंगे मतलब एक्स वन की वैल्यू, वो भी बीटा देगा। और वही चीज आप चाहो तो डार्क के साथ भी कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक डार्क की डी वन की दूरी, यहाँ से यहाँ डी टू की दूरी, उसको भी माइनस करके देख सकते हैं। तो खैर यहाँ पे हम राइट से कर रहे हैं, ये कैपिटल डी आपका हो गया डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स। चलिए तो ब्राइट पोजिशन के लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है, पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, इन जनरल एन लेमडा होनी चाहिए, जहाँ एन बराबर जीरो वन टू थ्री। जीरो हो जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, वन हो जाएगा फर्स्ट मैक्सिमा के लिए, टू हो जाएगा सेकंड मैक्सिमा के लिए, एंड सो ऑन। और डेल्टा एक्स को हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, देखिएगा डेल्टा एक्स की वैल्यू जो हम लोग लाए थे यहाँ पे, तो वो लाए थे 2d और उसके बाद साइन थीटा, 2d साइन थीटा जो आ गया था 2d tan थीटा के बराबर, क्योंकि ये थीटा बहुत कम होता था, और tan थीटा बराबर ऊपर की दूरी को xn कहा था, इधर की दूरी हो गई d, तो tan थीटा इज xn by d, है ना। तो उसी को लिखा गया है कि डेल्टा x जो है आपका, दिस इज द वैल्यू फॉर डेल्टा x, तो डेल्टा x जो हो गया क्या हो गया xn 2d by d, तो इसको डायरेक्ट भी याद रखना है, डेल्टा x बराबर xn 2d by d, डेल्टा एक्स बराबर एक्स एन टू डी बाई डी, ये अक्सर आपको काम आता रहेगा। तो इस तरह से तो यहाँ से हमको एक्स एन मिल जाएगा, एक्स एन मतलब क्या हुआ, पोजीशन ऑफ एनथ ब्राइट फ्रिंज कह सकते हो, या डायरेक्ट भी एनथ ब्राइट फ्रॉम द सेंट्रल पोजीशन ऑफ स्क्रीन। यहाँ पर जो ये सेंट्रल पोजीशन है, यहाँ से कितना दूर आपको ऊपर जाना है या नीचे जाना है जिससे कि आपको वहां पे ब्राइट मिले एनथ ब्राइट, तो उसके लिए आ गया एन इंटू लेमडा डी बाई टू डी। तो चलो आप जैसे आपको अगर फर्स्ट ब्राइट तक पहुंचना है तो n को 1 रखिए, 1 रखेंगे x1, तो x1 बराबर लैम्डा डी बाई टू डी, है ना, तो ये भी बीटा ही है क्योंकि x1 जो आप देख रहे हो b1 और b0 के बीच की दूरी है जो कि बीटा है, तो यही आ गया। x2 अगर आप जानना चाहते हैं पोजीशन, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए, 2 लैम्डा डी बाई टू डी हो जाएगा। थर्ड वाला मैक्सिमा चाहिए तो 3 रख दीजिए, 3 लैम्डा डी बाई टू डी आ गया, एंड सो ऑन, है ना। और बीटा चाहिए तो दो कंजिक्यूटिव को माइनस करना है, तो चाहे तो आप एक्स वन माइनस एक्स नॉट, एक्स नॉट एक्स नॉट निकालोगे तो वो जीरो रखने पर जीरो आ जाएगा, तो एक्स वन माइनस एक्स नॉट करो, या एक्स टू माइनस एक्स वन करो जो हमने यहाँ दिखाया है, एक्स टू माइनस एक्स वन वो यहाँ, या फिर एक्स थ्री माइनस एक्स टू करो, है ना, इस तरह से करोगे तो देख सकते हो कि जैसे एक्स टू माइनस एक्स वन साफ साफ दिख रहा है, टू लेमडा डिवाइड टू डी माइनस लेमडा डिवाइड टू डी माइनस करो क्या आ जाएगा, लेमडा डिवाइड टू डी। एक्स थ्री माइनस एक्स टू साफ साफ दिख रहा है, थ्री में से टू जाए वन बचेगा, वन लेमडा डिवाइड टू डी, इस तरह से। सो बीटा आपका आ गया क्या, लेमडा डिवाइड टू डी, ठीक है। तो ये कैसे आया, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपने समझ लिया और ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। तो ये हमने जैसे दो ब्राइट पोजिशन के लिए आपको दिखाया, ऐसे ही दो डार्क पोजिशन के लिए भी दिखाया जा सकता है ना, तो एक बार मैं फटाफट लिख देता हूँ, उसको भी देख लो। तो जिस प्रकार से आप ब्राइट की मदद से बीटा तक पहुंच सकते थे, उसी तरह से डार्क के पोजीशन की मदद से भी आप बीटा तक पहुंच सकते हैं, सेम आएगा। तो यहाँ पे ये जो डी वन हमारा है वो हो गया यहाँ से यहाँ तक एक्स वन सेंट्रल पॉइंट से, और सेंट्रल पॉइंट से डी टू तक की दूरी हो गई एक्स टू, ठीक है। अब आप देखिए डार्क पोजिशन के लिए आपको डेल्टा एक्स क्या याद करना था, ऑड मल्टीपल्स ऑफ लेमडा बाई टू, सो टू एन माइनस वन लेमडा बाई टू, जहाँ बताए थे आपको एन की वैल्यू वन टू थ्री फोर, यहाँ जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ पे फर्स्ट डार्क के लिए वन, सेकेंड डार्क के लिए टू, थर्ड डार्क के लिए, बुक में अगर यहाँ पे प्लस दे देगा टू एन प्लस वन लेमडा बाई टू, काफी जगह पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो वहाँ पे फर्स्ट डार्क के लिए आपको एन जीरो पुट करना होगा, सेकेंड डार्क के लिए एक कम, है ना, एन वन पुट करना होगा, तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। लेकिन अगर आप इस फार्मूले को यूज करते हैं 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, तो यहाँ पर फर्स्ट डार्क निकालना है तो n1, सेकेंड डार्क निकालना है तो n2, थर्ड डार्क निकालना है तो n3, जैसे ब्राइट में पुट करते थे वैसे ही डार्क में भी सेम सेम पुट करेंगे, यहाँ पर एक कम करने की जरूरत नहीं है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, बता दिया। अब यहाँ डेल्टा एक्स की वैल्यू उसी तरह से एक्स एन टू डी बाई डी तो रहेगा ही, और 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 रख दीजिए, और xn की वैल्यू क्या हो गई d बाई 2d इंटू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। अब आप
पोजीशन देखिए, फर्स्ट डार्क का पोजीशन चाहिए, इसमें तो सेंट्रल डार्क होता है नहीं, सेंटर पर तो सिर्फ ब्राइट बनता है यहाँ पे। तो अब यह आपका है फर्स्ट डार्क का पोजीशन, तो एन वन से स्टार्ट होगा, वन यहाँ पे रखिएगा तो टू माइनस वन वन हो जाएगा, सो लेमडा डी बाय फोर डी आ जाएगा, है ना। तो एक्स वन बन गया लेमडा डी बाय फोर डी, एक्स टू इसी तरह से यहाँ पे टू रखिए तो थ्री आ जाएगा ऊपर, नीचे हो गया फोर डी, थ्री लेमडा डी बाय फोर डी, यहाँ पे थ्री रखिए डी थ्री के लिए तो क्या हो गया फाइव, फाइव टाइम्स लेमडा डी बाय फोर डी एंड सो ऑन। तो एक्सएन क्या हो गया, पोजिशन ऑफ एन एथ डार्क फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्क्रीन, सेंट्रल पोजिशन ऑफ द स्क्रीन से एन एथ डार्क, है ना, एन एथ डार्क, अब पहला दूसरा तीसरा चौथा जिसकी जरूरत हो, यहाँ पे एन की वैल्यू रख करके वो पोजिशन प्राप्त किया जा सकता है। हमने किया डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन, अब किन्हीं दो कंजिक्यूटिव को माइनस करेंगे, बीटा आ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स थ्री माइनस एक्स टू, एक्स फोर माइनस एक्स थ्री, तो आप देख सकते हैं माइनस करके थ्री में से वन जाए टू ऊपर में, नीचे फोर तो डी रहेगा ही, यहाँ फाइव में से थ्री जाए भी टू, है ना। तो इसको सॉल्व करिए, टू फोर कट कर दीजिए तो लेमडा डी बाई टू डी वापस आ गया, सो बीटा बिकम लेमडा डी बाई टू डी, है ना। तो इससे भी हम लोग साबित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें हो गई यहाँ बीटा को लेकर के। अब यहाँ पर क्या आपसे और सवाल आ सकता है, बोलेगा हमने इस पूरे अरेंजमेंट को अंडर वाटर लेके चले गए, यही एक्सपेरिमेंट आपको किसी लिक्विड में करना है, लिक्विड के अंदर पूरे एपरेटस को डुबा दिया गया, तो पूरे एपरेटस को डुबाया मैंने, टू डी वही रहा, कैपिटल डी वही रहा, बस जैसे ही आप किसी लिक्विड में लेके जाओगे तो वहां पर लेमडा कम हो जाएगा, है ना। लेमडा क्या बन जाएगा, नया लेमडा जो बनेगा वो एयर में जो लेमडा था डिवाइडेड बाई म्यू, ठीक है, वो हो जाएगा। तो एक्चुअली में बीटा जो फ्रिंज विड्थ अब बनेगा वो अब आपका छोटा बन जाएगा, तो वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या बनेगा। देखो मतलब कि डी टू डी तो सेम है, तो हमने पढ़ा था बीटा वन बाय बीटा टू वाज लेमडा वन बाय लेमडा टू, ठीक है। तो अगर आपका एयर में बीटा इन एयर और बीटा इन लिक्विड आपसे पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा लेमडा इन एयर एंड लेमडा इन लिक्विड, है ना। तो बीटा इन लिक्विड अगर निकालने को कहा जाए तो बीटा इन एयर इंटू लेमडा इन लिक्विड डिवाइड बाय लेमडा इन एयर, तो लेमडा इन लिक्विड क्या हो जाएगा, तो छोटा हो जाता है लेमडा ए बाय म्यू ऑफ लिक्विड, ओके। आप जानते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में भी आप वीडियो लेक्चर देखिएगा, वहाँ भी बताया हुआ है कि अगर आप लाइट रे को किसी लिक्विड मीडियम में लेके जाओगे तो वहाँ पर जो लेमडा की वैल्यू होगी वहाँ पर वो लेमडा कम हो जाएगी, तो अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड से भाग दोगे तो आपको लेमडा मिल जाएगा। सो लेमडा लिक्विड बराबर लेमडा ए अपॉन म्यू एल, तो ये लेमडा ए कैंसिल कर दो, क्या बचेगा बीटा इन एयर डिवाइडेड बाय म्यू एल, तो बीटा इन लिक्विड बराबर बीटा इन एयर डिवाइडेड बाय म्यू एल। तो म्यू चूंकि एक से ज्यादा होता है, इसका मतलब लिक्विड के अंदर जो फ्रिंज विड्थ आएगा वो छोटा आएगा, मतलब क्या होगा कि ये जो आपका फ्रिंज विड्थ अभी इतना बड़ा है वो छोटा होना शुरू हो जाएगा। हम जानते हैं पैटर्न तो यूनिफॉर्म होता है, तो एक तरफ से क्या होगा, पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो श्रिंक कर जाएगा, पूरा का पूरा पैटर्न एकदम सिकुड़ जाएगा, है ना। जैसे कि कपड़े होते हैं आपको इस तरह से अभी फैला फैला है और सिकुड़ जाए, तो सिकुड़ जाए तो कैसे सब छोटा छोटा जगह ऐसे करके होगा, है ना, इस तरह से सिकुड़ गया, तो ऐसे कुछ सिकड़ा हुआ, है ना। जो पॉइंट अभी ज्यादा ज्यादा डिस्टेंस पर थे वो नजदीक नजदीक आ जाएंगे, तो सेंटर के अबाउट दोनों तरफ से ऐसे छोटा हो जाएगा। या कोई स्प्रिंग मान के देख लो, स्प्रिंग को जैसे ऐसे फैला के रखो और उसको छोड़ दो तो कैसे सब सिकुड़ गया, तो उसी तरह का काम हो जाएगा किसी लिक्विड में डालने पर, है ना। तो इस तरह का सवाल रहता है। अब आप यहाँ पे पढ़िए इफेक्ट ऑफ इंसर्शन ऑफ ग्लास प्लेट, है ना, एट वन या बोथ ऑफ द स्लिट्स, आइए उस पर बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। तो आइए बच्चों इसको भी देख लीजिए जरा, तो हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ इंसर्शन ऑफ ग्लास प्लेट इन फ्रंट ऑफ वन स्लिट इन YDSC, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, IT वाले सेक्शन में भी काफी बार पूछा हुआ है और मेडिकल में इसको कभी भी रिपीट किया जा सकता है, एक आध बार एम्स में पूछा हुआ भी है इस कॉन्सेप्ट से, तो थोड़ा अच्छे से समझिएगा, स्टूडेंट्स को इस सब इलाके में थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत होती है, तो ध्यान से देखिए, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। देखिए हमने क्या किया, ये दो स्लिट थे S1 और S2, इनमें से किसी एक स्लिट में हमने एक ग्लास प्लेट ले जाकर के आगे में लगा दिया, मतलब क्या होगा कि S2 से अब जो भी लाइट आएगी वो उस ग्लास प्लेट से होकर के पास करेगी और फिर यहाँ से जाएगी, है ना, आगे। तो बात क्या आ गई कि पहले ये भी एयर मीडियम के थ्रू टोटली ट्रेवल कर रहा था और अभी ये भी एयर मीडियम के थ्रू कर रहा था ट्रेवल, लेकिन अब क्या हो गया,
बीच में कुछ देर के लिए हमने उसको एक डिफरेंट मीडियम में ट्रेवल करवा दिया, और एयर मीडियम में ये जो गया है ये कितना गया है, H2P नहीं गया बल्कि H2P माइनस T गया है। ठीक है, मान लो कि इसका जो भी थिकनेस है आप वहां पे रख दिए हो, तो एयर में जो भी डिस्टेंस पहले हुआ करता था H2P वो तो अब नहीं होगा ना, उतना के जगह पे आपने यहाँ पे देखो T कुछ जगह पे रख दिया, तो इतना जगह एयर में कम हो जाएगा। अब मान के चलो ये मान लो कि 4 मिलीमीटर का था ये थिकनेस, और यहाँ से यहाँ मान लो 2 मीटर का था, तो अभी भी ये 2 मीटर का अब नहीं होगा, अभी 2 मीटर माइनस 4 mm आएगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो आपको होगा कि सर वो तो बहुत छोटा है 4 mm, चाहो तो नेगलेक्ट कर लो, तो यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि लाइट का वेवलेंथ बहुत छोटा होता है, एंगस्ट्रम में होता है, तो छोटा से छोटा चेंज भी अगर आप यहाँ पे लाओगे ना तो उसका असर आपको पाथ डिफरेंस में देखने को मिल जाएगा, और पाथ डिफरेंस चेंज हुआ तो फिर फेज डिफरेंस में चेंजिंग आ जाएगी, और आप जानते हो कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो निर्भर करती है वो फाइनली फेज डिफरेंस पर ही निर्भर करती है ना, डेल्टा फाई पर। तो डेल्टा एक्स बदलेगा तो डेल्टा फाई बदलेगा, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर आपका डेल्टा एक्स जो पहले आया करता था सिंपल एक्स एन 2D/D, अब वो नहीं आएगा, वो बदल के आएगा कुछ, तो हमने उसको लिखा डेल्टा एक्स डैश। वही काम ने, नाउ द कैलकुलेशन ऑफ पाथ डिफरेंस विल बी एज फॉलोज। तो डेल्टा एक्स डैश बराबर कैसे करेंगे, तो इसको निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है कि दोनों पाथ के ऑप्टिकल पाथ को माइनस किया जाए। पहले कहोगे सर पहले कहाँ ऐसा कुछ करते थे, तो पहले इसलिए नहीं करते थे क्योंकि पहले दोनों पाथ ऑलरेडी एयर में था, सेम मीडियम में था, एयर में था, तो करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब बीच में कुछ देर के लिए ये किसी मीडियम में गया है लेकिन ये वाला नहीं गया मीडियम में, तो फिर यहाँ पे करने की जरूरत पड़ेगी, वहां पे ऑप्टिकल पाथ ऑफ H2P माइनस ऑप्टिकल पाथ ऑफ S1P। अच्छा, तो ये ऑप्टिकल पाथ में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो। ऑप्टिकल पाथ के लिए क्या होता है, ऑप्टिकल पाथ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन एयर या वैक्यूम। एयर या वैक्यूम में लाइट जितना भी डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, लेकिन कितनी देर में, इन सेम टाइम इंटरवल, उसी समय के दौरान, एज दैट ऑफ एनी मीडियम, जितनी देर तक वो किसी मीडियम में चल रहा है, मान लो 1 मिनट तक वो किसी मीडियम के थ्रू लाइट जो है वो पास कर रहा है, तो 1 मिनट तक उसको एयर के थ्रू भी पास करा दीजिए, वो एयर में जितना चल जाएगा 1 मिनट के थ्रू वही हो जाएगा, उस मीडियम में 1 मिनट के थ्रू जितना चला था ना उसका ऑप्टिकल पाथ हो जाएगा। तो सिंपल कहने का मतलब हुआ कि ऑप्टिकल पाथ अगर आपको निकालना है किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए जहां तक किसी मीडियम में लाइट चला हो, तो क्या करना है, म्यू से इंटू कर देना है। क्यों, तो ऐसे भी समझ सकते हो कि किसी मीडियम में जब लाइट चलेगा तो उसकी स्पीड म्यू टाइम कम हो जाएगी, है ना, तो जिस मीडियम में म्यू टाइम कम हो गई थी स्पीड, वापस अगर उसको मैं एयर में लेके आऊं तो म्यू टाइम स्पीड बढ़ जाएगी, है ना, और अगर आप सेम टाइम इंटरवल के लिए बात करोगे तो डिस्टेंस भी म्यू टाइम बढ़ जाएगा, और वो जो बढ़ा हुआ डिस्टेंस होगा वही होगा आपका ऑप्टिकल पाथ। तो एक बार फिर से, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन एयर या वैक्यूम इन सेम टाइम इंटरवल एज दैट ऑफ एनी मीडियम। किसी मीडियम में जितनी देर तक लाइट चला है उतनी ही देर तक लाइट को वैक्यूम में या एयर में चलाओ, ऑफ कोर्स ज्यादा चलेगा, तो कितना ज्यादा चलेगा, म्यू टाइम ज्यादा चलेगा, तो म्यू टाइम जो ज्यादा चल रहा है ना, जब आप म्यू से गुना कर दोगे उस पाथ ट्रेवल्ड इन मीडियम को, तो वही क्या बन जाएगा, ऑप्टिकल पाथ। क्लियर है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीधा सीधा म्यू से इंटू कर देंगे ऑप्टिकल पाथ आ जाएगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑप्टिकल पाथ ऑफ H2P माइनस ऑप्टिकल पाथ ऑफ S1P। S1P तो ऑलरेडी एयर में है तो इसमें चेंजिंग की कोई जरूरत नहीं होगी, ये S1P ही रहेगा, लेकिन ऑप्टिकल पाथ ऑफ H2P में आपका एयर भी है और मीडियम का पाथ भी है, तो एयर का जितना पाथ हो उसको अलग कर लो पहले, एयर का कितना था तो H2P-T, तो H2P-T ओके, और मीडियम का पाथ कितना था तो T, तो इस मीडियम के पाथ को ऑप्टिकल पाथ में कन्वर्ट करने की जरूरत है। हमने पढ़ा ना क्या करना है, सीधा सीधा म्यू से इंटू कर देना है, म्यू इंटू ये वाला पाथ, ठीक है, था ना, म्यू इंटू पाथ ट्रेवल्ड इन मीडियम, तो ये पाथ ट्रेवल इन मीडियम क्या है, टी, टी थिकनेस है इसका, तो उतना दूर ही लाइट ने उस मीडियम में ट्रेवल किया है, तो उस टी से इंटू कर देंगे म्यू को, आ जाएगा इसका ऑप्टिकल पाथ। सो हमने यहाँ पर म्यू इंटू टी कर दिया, ठीक है, म्यू इंटू टी, तो अब ये टोटल एक साथ कर दिए तो ये बन गया इसका ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ ऑफ H2P इज H2P-T ऑलरेडी इन एयर में और म्यू टी भी एयर में, ओके, तो ये बन गया हमारा। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे इस टी थिकनेस को पार करने में लाइट ने जितना भी समय लिया होगा उतना ही समय उसको हम एयर में चलने के लिए छोड़ दें तो वो कितना चलेगा, तो वो चलेगा म्यू इंटू टी, इतना दूरी चलेगा।
तो अब ये म्यू टी भी एयर में आ गया और एस टू पी माइनस टी भी पहले से एयर में था, टोटल जोड़ दिए तो यही हो गया टोटल पाथ इन एयर या वैक्यूम, वही हो गया ऑप्टिकल पाथ ऑफ एस टू पी। चलो अब देखो, अब यहाँ पर एस टू पी माइनस एस वन पी एक साथ कर लो, बाकी ये म्यू टी और टी एक साथ कर लो टी कॉमन करके, तो म्यू माइनस वन आ जाएगा, है ना। अब एस टू पी भी एयर में और एस वन पी भी एयर में ऑलरेडी वाला, तो वो पहले का जो कैलकुलेशन था हमारा कि यहाँ से यहाँ वाला ये परपेंडिकुलर डाला, फिर ये वाला डिस्टेंस है ना 2d sin थीटा, ऑलमोस्ट 2d tan थीटा, फिर 2d और xn by d, तो वो चीज़ फिर से लिख दो, है ना, xn 2d by d और ये t mu minus 1, ठीक है। यहाँ से हम xn 2d by d को ये डेल्टा x इधर लेके आ जाइए ऐसे, तो xn निकालेंगे, xn क्या निकल आएगा d by 2d into ये वाला, ठीक है, डेल्टा x dash minus t mu minus 1। अब देखिए, अगर आपको स्क्रीन पर मैक्सिमा ढूंढना है कि अब नया पोजीशन ऑफ मैक्सिमा क्या होगा, तो सीधी सी बात है, कभी भी हमको स्क्रीन पर मैक्सिमा ढूंढना होगा इंटरफेरेंस पैटर्न के दौरान, तो डेल्टा एक्स डैश आना चाहिए एन लैम्डा, एन लैम्डा के बराबर, तो एन लैम्डा आपको वही पुट करना पड़ता है, तो कर दिए पुट, और एक्शन मतलब पोजीशन, तो डी बाई टू डी और एन लैम्डा माइनस टी म्यू माइनस वन हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा पोजीशन ऑफ एनथ ब्राइट फ्रॉम दिस पोजीशन, ओके, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, वहां से तो d by 2d nth bright खोजना है, तो ये वाले डिस्टेंस पे अब खोजना पड़ेगा, है ना। पहले कहाँ मिलता था, तो ये वाला t वाला टर्म छोड़ दीजिए, एयर था तो म्यू को यहाँ वन कर दीजिए, टर्म खत्म हो जाएगा, तो सीधा सीधा इतना ही टर्म बचता था n लैम्डा तक, है ना। अब ये ऐड हो गया टर्म। चलिए तो सेंट्रल मैक्सिमा को खोजते हैं कि वो कहाँ पे बनेगा, क्या वो अभी भी सेंटर पे बन रहा है, तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए हम लोग n बराबर 0 पुट किया करते थे, तो 0 पुट किए हम, यहाँ पे 0 पुट करो, फिर देखो सॉल्व करो क्या हो जाएगा, तो डी बाई टू डी और माइनस ऑफ टी म्यू माइनस वन, ठीक है, मतलब क्या हुआ, माइनस हमने बाहर रखा, डी बाई टू डी एंड टी इंटू म्यू माइनस वन, तो ये देखिए अब आपका ये एक्स नॉट इक्वल टू जीरो नहीं आ रहा है, इक्वल टू माइनस ऑफ समथिंग आ रहा है, ये वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी ना, कैपिटल डी टू डी स्मॉल टी म्यू माइनस वन, ये कुछ ना कुछ तो आएगा, और उसके आगे निगेटिव लगा हुआ है, इसका मतलब कि जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है वो अब आपको यहाँ पे ना मिलके थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा, यहाँ पर मिलेगा, है ना। तो पूरा का पूरा पैटर्न जो था उसी तरह से आप जब आप निकालेंगे फर्स्ट पोजीशन वन डाल के, तो उसमें भी माइनस करके आएगा, तो कहने का मतलब हुआ कि जैसे सेंटर नीचे खिसक जाएगा, उसी तरह फर्स्ट वाला भी नीचे खिसकेगा, सेकंड वाला भी नीचे खिसकेगा, और यहाँ चूंकि लैम्डा देखिए यहाँ पे दोनों एयर में वापस आके मिल रहा है, सो लैम्डा वही है, इसलिए बीटा वही रहेगा, मतलब डिस्टेंस बिटवीन कंजिक्यूटिव ब्राइट या कंजिक्यूटिव डार्क अभी भी उतना ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा पैटर्न ही नीचे को शिफ्ट हो जाएगा। आपने अगर नीचे यहाँ पे प्लेट लगाया हुआ है तो सारा पैटर्न नीचे शिफ्ट होगा, अगर यहाँ ना लगा के ऊपर लगा देते तो सारा पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो जाता, वो कैलकुलेशन करोगे तो फिर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। और अगर दोनों तरफ लगा देते तो इसकी वजह से नीचे शिफ्टिंग होती, इसकी वजह से ऊपर होती, फिर देखते कि कितना कौन ज्यादा शिफ्ट कर रहा है, उस तरफ से नेट शिफ्ट चला आता, सिंपल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो है ना वो यहाँ पे शिफ्ट कर गया, तो अभी अभी यहाँ पे बी नॉट ना बनके ये नीचे की तरफ बनेगा बी नॉट, ओके, और इसी को हम लोग क्या नाम दे देंगे, शिफ्ट। तो शिफ्ट जो है ये सिर्फ सेंट्रल ब्राइट में नहीं बल्कि हर जगह पूरे पैटर्न में इतने का शिफ्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो काम की बात क्या याद रखनी है आपको कि जब आप कोई ग्लास प्लेट इंसर्ट करते हो इन फ्रंट ऑफ एनी वन स्लिट, तो पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो शिफ्ट कर जाता है, और शिफ्ट कितने अमाउंट से करता है, उसकी वैल्यू क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो हम उस माइनस को हटा के लिखते हैं टी इंटू म्यू माइनस वन इंटू डी बाई टू डी, ठीक है। तो इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है, टी इंटू म्यू माइनस वन इंटू डी अपॉन टू डी, ठीक है, इतने का शिफ्ट हो जाएगा। T जहाँ क्या हो गया, थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट, म्यू हो गया रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, और बाकी चीजें तो है ही, D आपको ये स्क्रीन डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक का, और 2D हो गया यहाँ स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। और याद रखेंगे नीचे लगाए तो नीचे शिफ्ट होगा, ऊपर लगाए तो ऊपर शिफ्ट होगा। तो शिफ्ट के लिए हम लोग को ये फॉर्मूला याद रखना है, जिससे बहुत सारे सवाल हमको बनेंगे। अब इस पर सवाल कैसे कहेगा, सवाल कहेगा कि भाई हमने कुछ ऐसे थिकनेस का लगाया कि जहाँ पे ब्राइट बनता था वहाँ पे अब डार्क बनने लगा, ठीक है, जहाँ पे ब्राइट बनता था वहाँ पे अब डार्क बनने लगा, इसका मतलब शिफ्टिंग कितना से हो गया, बीटा बाई टू से, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि दो ब्राइट के बीच कि
की दूरी को एक बीटा बोलना है। अब आपने कहा कि जहां ब्राइट था वहां डार्क आ गया, इसका मतलब ये पोजीशन यहां से यहां शिफ्ट हो गया, तो मतलब कितना, आधा, तो बीटा बाय टू। तो इस तरह से हमारा कई सारे सवालों का जवाब आ जाएगा। आइए देखते हैं उसको। हाँ जी बच्चों, तो क्लियरली ड्यू टू इंसर्शन ऑफ ग्लास प्लेट इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट देयर विल बी शिफ्ट इन होल पैटर्न बाय टी इंटू म्यू माइनस वन इंटू डी बाई टू डी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे हम लोग, जहाँ टी बराबर थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड डी इज द स्क्रीन डिस्टेंस एंड टू डी इज डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। ठीक है, अभी यहाँ पे दो केस आपको अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस में दिख जाया करते हैं, तो उसको समझ लीजिए। जैसे केस वन, कि अगर शिफ्ट ऐसा हो कि आपको लगे कि भाई कोई चेंज हुआ ही नहीं, मतलब ब्राइट जहाँ बन रहा था वहाँ अभी भी बन रहा है, डार्क जहाँ बन रहा था वहाँ अभी भी बन रहा है, तो हमें ऐसा लगे कि कोई शिफ्टिंग हुआ ही नहीं। तो कहिए ऐसा कैसे पॉसिबल है सर, अभी तो आपने पढ़ाया कि भाई शिफ्टिंग तो होता है, लेकिन शिफ्टिंग ये इस तरह से हो रहा है ना कि बराबर अगर वो बीटा के इंटेग्रल मल्टीपल में शिफ्टिंग हो जाए, मान के चलो कि पैटर्न हमारा यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ था। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस बन रहे हैं, ये तो बहुत सारे बन रहे हैं। अब अगर इसमें अगर एक ये सभी एक एक नीचे उतर जाएगा, तो फिर भी तो ये देखने में एक ही जैसा लगेगा ना, आपको थोड़ी पता चलेगा। जैसे मैं अगर आपको अभी यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे कर लूँ और बराबर बराबर में रखूँ, जहाँ जो आप पहले ऐसे देख रहे थे ब्राइट, अभी भी मैं इसको इतना करूँ कि अब ये वाला आपके सामने नजर के सामने आ जाए, है ना, क्योंकि ये सारे तो आइडेंटिकल ही है, तो आपको थोड़ी पता चलेगा कि इसमें हमने शिफ्टिंग किया है, थोड़ा सा ऊपर कर दिया है। तो ये इस तरह की बात हो जाती है ना। तो बराबर अमाउंट में अगर आपने यहाँ पे जितना जो डिफरेंस था उसी डिफरेंस के हिसाब से अगर आपने शिफ्ट कर दिया, तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा, है ना। मतलब क्या हुआ कि इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ बीटा से अगर शिफ्टिंग हो गई हो, तो हम जो है पैटर्न में देखेंगे कि जहां पहले ब्राइट बन रहा था अभी भी वहां पे ब्राइट आ रहा है। ये अलग बात है कि वो जो है ना फर्स्ट ऑर्डर का ब्राइट होगा, सेकेंड ऑर्डर का ब्राइट होगा, है ना। मतलब क्या हो गया, अगर फिर से समझो, अगर दिक्कत है तो, जैसे कि बी नॉट अभी था, बी वन यहाँ पर था, बी टू यहाँ पर था, बी थ्री यहाँ पर था, अब अगर शिफ्टिंग ऐसा हुआ कि ये बी टू उठ के यहाँ पे आ गया बी नॉट की जगह, तो ये भी ब्राइट है, ये भी ब्राइट है, तो ये वाला ब्राइट अगर शिफ्ट होकर यहाँ पे आ भी गया तो ये बी टू बन गया, यहाँ वाला बी थ्री बन जाएगा, ये बी फोर, ये बी फाइव, है ना। और पैटर्न तो हमको इसी तरह से बी वन बी नॉट, तो आपको अगर कि हाँ सर ये देखिए शिफ्ट तो हो गया, तो भाई जो ब्राइट वहां बन रहा है इंटेंसिटी, वो अपना नाम लिख के थोड़ी वहां पे आएगा कि मैं बी नॉट हूँ। वो तो हम लोग डिजाइन किए ना कि स्क्रीन के जो सेंट्रल पोजीशंस हैं यहाँ पे, यहाँ पर मेरे को जो पहले नॉर्मल कंडीशन में ब्राइट आ रहा था उसको हम बी नॉट बोल रहे थे, उसके ऊपर वाले को बी वन बी टू बी थ्री बोल रहे थे, तो और लेकिन सारे के सारे ब्राइट तो एक जैसे ही है ना, तो कोई एक दूसरे की जगह पर आ जाएगा तो हमको थोड़ी पता चलेगा कि ये लोग आपस में इंटरचेंज हो गए हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपका शिफ्टिंग इस तरह से हो कि हमें लगे कि कोई भी चेंज इन फ्रिंज पैटर्न में ऑब्जर्व नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो बीटा के मल्टीपल में शिफ्ट हो गया होगा। हो सकता है कि दो नंबर का ब्राइट आकर के और जीरो नंबर बी नॉट के ऊपर आ गया होगा, बी नॉट नीचे चला गया होगा, है ना। सब तो ब्राइट ही, अब देखो ना, अभी मैं इसको मिटा दूं यहाँ पे, तो कौन कहेगा कि आपने शिफ्ट किया है, बताइए। ऐसे ही तो पहले भी लिखे थे और अभी भी आपको फोटो वही दिख रहा है ना। तो ये चीजें हो जाती है। तो इस केस में क्या हुआ, शिफ्ट जो हुआ टी इंटू म्यू माइनस वन इंटू डी वाई टू डी, तो शिफ्ट जानते हो आप, ये वाला याद रखना है, टी इंटू म्यू माइनस वन इंटू डी वाई टू डी, एन बीटा के साथ काम करेंगे, जहाँ एन वन टू थ्री फोर ये कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से आपको जो है डी बाई टू डी और बीटा की वैल्यू लेमडा डी बाई टू डी याद किया था, उसको रखते हुए कैंसिल करो और फिर टी थिकनेस निकल के आ जाएगा एन लेमडा बाय म्यू माइनस वन, है ना। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा ये वैल्यू अक्सर पूछता रहता है, कहता है कि मिनिमम थिकनेस हमको बताइए। ठीक है, मिनिमम थिकनेस ऑफ दी ग्लास प्लेट हमको बताइए जिससे कि ऐसा हो। तो टी मिनिमम के लिए एन को देखो, एन बढ़ेगा तो टी बढ़ेगा, मतलब साफ है कि अगर टी मिनिमम थिकनेस चाहिए तो एन को मिनिमम करो, दैट इज वन, तो वन रखना होगा, तो आएगा मिनिमम थिकनेस लैम्डा बाई म्यू माइनस वन। अब क्वेश्चन में लैम्डा म्यू की वैल्यू दी रहेगी, पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। केस टू, अब ऐसा हो कि हमें पता चल जाए, ठीक है, कि ब्राइट को अगर ब्राइट रिप्लेस नहीं कर रहा है, ब्राइट को डार्क रिप्लेस कर दे रहा है, ठीक है, मतलब सेंट्रल डार्क बन गया, पहले सेंट्रल ब्राइट बनता था, अब सेंट्रल पोजीशन पर हमको क्या आ गया, सेंट्रल पोजीशन हमको पता होता है, ये ध्यान रखिएगा, जैसे यही बोर्ड है स्क्रीन है तो इसका सेंटर हमको पता है ना कहाँ पे होगा, ठीक है, इस पर पैटर्न चाहे जितना भी ऊपर नीचे इधर उधर हो जाए, लेकिन सेंटर तो हम खोज लेंगे कि हाँ जो स्क्रीन है उसका सेंटर यहाँ पर है।
तो पहले उस सेंटर पे जैसे ब्राइट बन रहा था और अब उस सेंटर पे अगर डार्क बनना शुरू हो जाए तो हम कहेंगे भैया पैटर्न तो चेंज हुआ है। तो इफ द शिफ्ट इज सच दैट कि सेंट्रल डार्क इज फॉर्म्ड, ओके, इन फ्रिंज पैटर्न सेंट्रल पोजीशन पर डार्क आ जाए, तो इसका मतलब शिफ्टिंग कितना से हुआ होगा? शिफ्टिंग हुआ होगा ऑड मल्टीपल ऑफ बीटा बाई टू से, ऑड मल्टीपल ऑफ बीटा बाई टू से, मतलब बीटा बाई टू से शिफ्ट हो गया होगा, या थ्री बीटा बाई टू से शिफ्ट हो गया होगा, या फाइव बीटा बाई टू से शिफ्ट हो गया होगा, है ना। इस तरह से बीटा के इंटेग्रल मल्टीपल से शिफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वैसा हुआ रहता तो फिर ब्राइट की जगह ब्राइट, डार्क की जगह डार्क ही रहता। अभी क्या होगा, बीटा बाई टू के ऑड मल्टीपल से शिफ्टिंग होगा तभी ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। सिर्फ बीटा बाय टू के मल्टीपल को अगर बोलोगे कि सर तो बीटा बाय टू में तो हो जाएगा, लेकिन जैसे इस टू टाइम्स बीटा बाय टू करोगे तो टू टाइम्स बीटा बाय टू का क्या मतलब हुआ? अगर मान लो तुमको होगा कि बीटा बाय टू के मल्टीपल से सर, तो हम कहते हैं टू टाइम बीटा बाय टू लगा के देखो, टू टू कट गया तो क्या हो गया, तो फिर तो बीटा आ गया ना। ये बीटा बाय टू का मल्टीपुल जो है ये तो फिर से तुमको यहाँ पे टू टू रखने पे बीटा दे दिया, तो ये तो पुराना कंडीशन हो गया, समझे। इसलिए यहाँ पे रखना होगा 1 3 5 7 इस तरह से, ठीक है, तब आपको ये वाला कंडीशन वैलिड रहेगा। ध्यान रखिएगा ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं, ओके। सो इसलिए इसको लिखा गया 2n-1 बीटा बाय टू, और फिर उसी तरह से यहाँ पर बीटा की वैल्यू को डालो और फिर कैंसिल वैंसिल करो, टी निकालो, टी निकालोगे तो इतना आ जाएगा। मिनिमम थिकनेस के लिए बात करेगा आपसे, टी मिनिमम, तो वन एन वन पुट कर देना, वन पुट करने पे वन ही आता है, तो लेमडा बाय टू टाइम्स म्यू माइनस वन। अगर नेक्स्ट थिकनेस की कभी कभी किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है तो नेक्स्ट थिकनेस के लिए यहाँ पे एन बराबर टू आएगा तो थ्री टाइम आ जाएगा, समझे, थ्री लेमडा, तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री लेमडा बाय टू, मतलब नेक्स्ट थिकनेस जो यहाँ पे आएगा थ्री लेमडा बाय टू म्यू माइनस वन, नेक्स्ट थिकनेस इसके बाद वाला 5 λ/2 μ-1 इस तरह से आएगा। इसमें जो नेक्स्ट थिकनेस बनेगा सीधा मल्टीपुल इसका डबल, 2 λ μ-1, फिर नेक्स्ट 3 λ μ-1, देख रहे हो ना, तो ये सब थिकनेस इस तरह से आ जाते हैं, तो ये सब ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही बात करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और कॉन्सेप्ट रह गया है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स अब आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑफ वेव ऑप्टिक्स का जो इंटरफेरेंस से रिलेटेड है, खास करके YDSC से, और जितना बताया हूँ उस पर आधारित रहेगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको कराए जाएंगे, तो अच्छे से देखिए, सीखिए, समझिए। चैनल अगर अच्छा आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो थोड़ा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, शेयर जो भी होता है कर दीजिएगा, सभी बच्चों को बताइए और खुद भी अच्छे से पढ़िए। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।